गुड मॉर्निंग सुप्रभात, जय श्री राम भाई। अभी बज रहे सुबह के 10 और हम बैठे हैं भाई के पास। ओ चचा, क्या हाल है भाई? जा रहे हैं खदान पर, देखते हैं हम भाई के साथ जाएंगे या दूसरी एक और गाड़ी है पीछे, उन भाई के साथ जाएंगे, देखते हैं। अब फिलहाल चलते हैं हम पहले ये बाइक देने के लिए, बाइक जिन भाई की है बाइक देकर आते हैं, बाद में देखते हैं सब। भाई ये खड़ी है अपनी गाड़ी, आ चुके हैं पार्किंग के अंदर। भाई अब आखिरी बार देख लो गाड़ी को, शायद अब अपने को ये गाड़ी नहीं दिखेगी अपने वीडियो में, क्योंकि भाई गाड़ी हम सेल कर रहे हैं। भाई कुछ भाई कमेंट कर रहे थे गाड़ी में, ये करवाओ वो करवाओ, कलर करवाओ टैपिंग करवाओ, भाई क्या करवाएंगे। भाई नहा धोकर हो चुके हम रेडी और अब निकल रहे हैं हम घर के लिए। और भाई गाड़ी हमने खड़ी कर रखी है पार्किंग में सेल करने के लिए, अगर भाई किसी को लेनी है गाड़ी तो मुझे कांटेक्ट करना, इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना भाई। और भाई भाई गए अस्पताल में दवाई लेने के लिए, जैसे ही दवाई लेकर आते हैं फिर हम यहाँ से निकलेंगे। उनको भाई थोड़ा ना चेकअप करवाना था खुद का, भाई गया है चेकअप करवाने के लिए, जैसे ही आता है फिर यहाँ से निकलेंगे हम। और इस गाड़ी को भी शायद आप पहचानते होंगे थोड़ा बहुत, तो क्योंकि ये गाड़ी भी अपनी वीडियो में काफ़ी बार आ चुकी है। गाड़ी अभी गाड़ी में ही है और भाई बाहर बारिश भी चालू है काफ़ी। बाकी भाई बैठे हैं गाड़ी में, अभी भाई का ही इंतज़ार कर रहे हैं कब तक आएंगे, देखते हैं भाई। और भाई अपना बारिश बढ़ चुकी है, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं क्योंकि पानी ना अंदर आ रहा था। अब निकलते हैं, तो भाई आते हैं जैसे, फिर तुरंत ही निकलेंगे। इनको भाई लिग्नाइट जो है ना हमारे यहाँ पर कोयला खदान यूनियन वाला कोयला जो है ना खदान पर चिट्ठी मिल चुका है, इनको यूनियन की चिट्ठी आती है, वो चिट्ठी मिल चुकी है। भाई जाएंगे अब कोयला भरने के लिए, तो खदान तक हम इनके साथ ही है करीब, यहाँ से अपना 100 किलोमीटर का सफ़र है और फिर वहाँ से आगे हम चलेंगे बस में। अभी टिप्पर तो सब बंद है, देखते हैं फिर बस मिल जाए कोई टाइम से तो घर भी पहुंच जाएंगे, और घर पहुंच कर फिर देखते हैं कुछ डॉक्यूमेंट का जुगाड़ करते हैं और गाड़ी का भी कुछ सोचते हैं। भाई अभी हम आ चुके हैं अपना ये कोयले का जो एसोसिएशन है ना वहाँ पर, और ये पटेल पार्किंग, और अपनी गाड़ी खड़ी है जय माता जी पार्किंग में। तो ये जय माता जी पार्किंग में जा रहा है ये रास्ता सीधा, यहाँ पर नंबर लिखते हैं गाड़ी के वो खिड़की में। और भाई ये पार्किंग का एड्रेस है, और भाई वो सामने जो गाड़ियाँ खड़ी है ना वो है पार्किंग, पूरी पैक और सेफ पार्किंग है। चारों ओर भाई दीवार बनाई हुई है, गेट भी लगा हुआ है, फुल सेफ्टी है पार्किंग में। भाई अभी हम आए थे पार्किंग में, वो पार खड़ी है गाड़ी अपनी, और अपने एयरबड्स भूल गए थे वो लेने के लिए आए थे। अब चलते हैं यहाँ से वापस गाड़ी के पास, निकलते हैं घर के लिए। फाइनली भाई निकल चुके हैं घर के लिए और टाइम हो चुका है 1:13, और भाई साहब अब आए। भाई क्या सब ठीक हो ना? डॉक्टर साहब ने क्या बोला? अच्छा रिपोर्ट करवा कर आए हो, फाइल कहाँ पर है? भाई एक सस्ता डॉक्टर लगता है विदाउट फाइल रिपोर्ट दे दिए हुए। 1600 डॉक्टर वसंत डी नकू, उसको बाद में देखते हैं, पहले हम अपना वीडियो बना लेते हैं। भाई ये अभी हम पहुंच चुके हैं सुख पर, चल रहे हैं। भाई अभी हम पहुंचने वाले हैं नखत्राणा, अंगिया टोल क्रॉस कर लिया हुआ है
और अब हम सुनाएंगे आपको गाड़ी का हॉर्न, बजाइए उस्ताद जी। भाई बस इतना बहुत है अभी फिलहाल के लिए, और बारिश भी चालू है। फाइनली भाई ये अभी हम पहुंच रहे हैं नखत्राणा, ये नखत्राणा पुलिस स्टेशन। और भाई अभी हम चल रहे हैं, बारिश भी लगी हुई है काफी जोरों शोरों से। और भाई ये अभी हम पहुंच रहे हैं बेरू नाके पर, ये लेफ्ट साइड में रोड जा रही है बेरू के लिए, ये रोड भाई। भाई काफी गुस्से में आ चुका है भाई, भाई 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 इतना गुस्सा कोई करता है क्या? गुटका तो निकाल मुंह से, कुछ बात तो कर भाई। ये अभी ना गुटका खा रहा है, अभी नहीं बोलेगा कुछ। और भाई ये नखत्राणा बस स्टैंड, एसटी बस डिपो। भाई ये लेफ्ट साइड में रोड जा रहा है मेन बाजार के अंदर नखत्राणा, भाई ये मेन। और भाई इस गली में ना मेन बाजार है। भाई पापा की परी है, थोड़ा देखना साइड। भाई इसको चलाना नहीं आता, रुक। हाँ ये, अरे चलो मैडम जी साइड हो जाओ। भाई ये अभी हम आ चुके हैं वथान चौक पर। और भाई यहाँ पर ना आपको काफी सारी नाश्ते की रेडियां मिल जाएंगे। भाई अब आ चुकी है खतरनाक वाली बारिश, बूंदे भी आपको दिख रही होंगी शायद। और भैया जी कैसी है बारिश? जोरदार है, वाइपर भी चालू ही है कंटिन्यू, पंखे के साथ साथ पंखा भी चालू है। बारिश तो काफी खतरनाक वाली लगी हुई है। भाई इस साइड में बारिश है और भाई उस साइड में धूप है। भाई ये अभी हम पहुंच चुके हैं रवा पर, और अपने आगे ही चल रही है बस जो जाएगी सीधा अपने गांव, तो देखते हैं भाई। फाइनली भाई अभी हम पहुंच रहे हैं भाई के गांव के पास। हाँ भाई इसलिए हॉर्न बजा रहे थे ज्यादा क्या, गांव आया था इसलिए। तो ये रोड जा रही है लेफ्ट साइड में सीधा इसके गांव में। फाइनली भाई ये आ चुके हम खदान पर। बस कर भाई कितना हॉर्न बजाएगा रे तू, अब हॉर्न बजा 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 कर परेशान कर दिया तूने तो। इतना कोई हॉर्न बजाता है क्या? ड्राइवर है कि स्क्रू ड्राइवर है? मेरे को नहीं चलने देता, चला जा कर। भाई ये तो गुस्सा हो गया भाई, काफी सारी गाड़ियां खड़ी है, पूरी पार्किंग फुल है भाई, काफी सारी गाड़ियां खड़ी है खदान पर। अभी पोजीशन तो खराब है,
भाई अभी रुके थे खदान पर, अब निकल रहे हैं यहाँ से वापस। फाइनली भाई ये अभी हम पहुंच चुके हैं माता का मढ़। भाई ये अभी ना मंदिर का काम चल रहा है इसलिए ये टाइलें वगैरह आई हुई है, मार्बल राजस्थान से मार्बल आई है भाई। अभी ना मंदिर का काम जोरों शोरों से चल रहा है और भाई चला रहे गाड़ी फोन पर लगे हुए है एक घंटे से। अब भाई ये चल रहा है मंदिर का काम, पूरा खोल दिया हुआ है दीवार विवार सब तोड़कर, पूरा अलंग से सही से बना रहे हैं। ओ भाई यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा रिक्स है गाड़ी चलाने में भाई, ये चढ़ाई है ना, चढ़ाई में सब लोग स्पीड से ही आते हैं। माता का मठ गांव के अंदर रोड जा रही थी ये वाली, मंदिर में दर्शन करने होना तो भाई यही रास्ता जाता है। फाइनली भाई ये अभी हम पहुंच चुके हैं दयापर। भाई मेन बाजार है ये दयापर के, और भाई ये अभी हम पहुंच चुके हैं गढ़ूली और यहाँ से हमें चलना है सीधा खदान पर उमरसर, और लेफ्ट साइड में रोड जा रही है अपने गांव के लिए, फिर वहाँ से आगे सीधा नारायण सरोवर कोटेश्वर। भाई ये रोड जा रही है अपने गांव के लिए, 17 किलोमीटर गांव है यहाँ से अपना, ये राइट साइड में रोड जा रही है गढ़ूली गांव के अंदर मेन बाजार में। और भाई ये शॉप है ना, इस शॉप पर आर्मी के हर टाइप के कपड़े मिल जाएंगे आपको, लेबल जूते जो चाहिए वो, BSF और आर्मी दोनों के। इस रोड पर ना ये नया बोर्ड लगा हुआ है, पहले इस रोड पर इतना बड़ा बोर्ड था नहीं, गढ़ूली गांव में था लेकिन गांव के बाद नहीं था, ये भाई नया लगा हुआ है। अब उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम हो भी गया हो, मैं अभी निकला नहीं हूँ, करीब 1 साल के ऊपर हो गया। लखपत किला यहाँ से 19 किलोमीटर। फाइनली भाई आ चुके हैं खदान पर, भाई करवा रहे हैं एंट्री और ये गाड़ी लोड होकर निकल रही है कोयला। और भाई पंखा ना काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, अब चलते हैं सीधा कांटे पर क्योंकि भाई गाड़ियां है ही नहीं बिल्कुल, वरना भाई ना ये पूरा भरा हुआ रहता है प्लॉट, ये रास्ता जो जा रहा है ना ये वाला जो मिट्टी डाली हुई है ये वाला, भाई ऐसे घूम घूम कर वो काफ़ी लंबा घूम कर आता है रोड, ऐसे 3 रोड बनाए हुए हैं। और भाई ने भी स्टेयरिंग लगाया हुआ है नया वाला। भाई तेरे को क्या खुजली हो रही है हॉर्न बजाने की? काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं भाई, पीछे ना पूरा बारिश वाला मौसम था और अब देख रहे हो पूरी धूप ही धूप है यहाँ पर, बिल्कुल जमीन भी सूखी हुई। अब भाई जा रहे हैं लोडिंग करने के लिए खदान में और हम निकलते हैं घर के लिए। रुको दरवाजा बंद कर देते हैं भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, भाई को भत्ते वत्ते फुलवाए और पन्नी भी लगा दी साइड में, ठीक है भाई। सामने से लूँ सोईद भाई बोल रहा है सामने से गाड़ी का वीडियो बना ले थोड़ा बहुत, ठीक है भाई सामने से बना लेते हैं। और ये कांटा है यहाँ पर होता है कांटा गाड़ी का, ठीक ठीक
भाई हॉर्न का तो काफी ज्यादा शौक है बंदे को। चलिए भाई अभी हम पहुंच चुके हैं घर और ये मेरी बहन जी है, पढ़ाई चल रही है। कुछ पढ़ना लिखना आता है या सिर्फ ऐसे ही? हाँ आता है। क्या आता है? सब आता है। सब आता है। गुजराती पढ़ना आता है? सीख रही। थोड़ा थोड़ा आता है। हिंदी और अंग्रेजी नहीं आता है बिल्कुल? अच्छा तेरा नाम लिखना तो आता है ना तुझे? अंग्रेजी में? अंग्रेजी में। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? सिक्स में। अच्छा सिक्स मतलब कितने? छ। बराबर। भाई अभी बैठे हुए घर पर, घर पर कोई है नहीं, मैं और बांजी दोनों अकेले ही है। अब भाई हाथ मुंह धो लेते हैं पहले और फिर चलते हैं गांव में, कहीं घूम कर आते हैं, क्योंकि भाई घर पर तो कोई है नहीं। कौन अपने को चाय पिलाएगा? तू पिलाएगी चाय? मामा को चाय बना कर देगी? चलो बांजी बोल रही है मामा आपके लिए चाय मैं बनाऊंगी, लेकिन बनाएगी कैसी वो पता नहीं है। चाय में शक्कर डालते हैं या नमक? नमक डालते हैं। तेरे को चाय बनाना ये भी नहीं आता है? नमक नमक डालते हैं। इसको नहीं आता है चाय बनाना, हम खुद ही बना लेते हैं। चलते हैं भाई हाथ मुंह धोने के लिए। भाई अभी हम हैं वर्मा नगर में और भाई अभी चल रहा है बैंक पर और भाई देखते हैं अब क्या बनता है फाइनेंस वाला। अगर भाई अगर अपने ना सब डॉक्यूमेंट सही रहे और फाइनेंस बैठेगा गाड़ी पर तो हम गाड़ी ले रखेंगे, वरना भाई हम गाड़ी को सेल कर देंगे। बस ये भाई लास्ट प्रोसेस है, देखते हैं क्या होता है इसमें, वरना गाड़ी तो अपने को बेचनी है ही है। भाई ये बच्चा जब हमने फर्स्ट व्लॉग शूट किया था ना, हम कश्मीर जा रहे थे तब यही था अपने साथ में। नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया। थोड़ा जोर से। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप यहाँ बैंक में आए? हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट का देखते हैं भाई फाइनेंस का क्या होता है। ठीक है